हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से श्री सूर्य पहाड़ में। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी श्री सूर्य पहाड़ को लेकर दो ब्लॉग है, अगर आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। और श्री सूर्य पहाड़ जो है ये हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है, तो हम कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं घूमने के लिए। वैसे एक दिन में हम पूरे पहाड़ को तो नहीं घूम सकते हैं एक साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारा कुछ है। तो चलिए देखते हैं और आप लोगों को भी साथ में दिखाते हैं। गाइस, तो यहाँ पर कुछ था बहुत साल पहले और इसे अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे अभी कवर कर लिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ है पुराने ज़माने की, शायद यहाँ पर कोई घर था ऐसा अनुमान किया जाता है। और नीचे की तरफ इस तरह है और ये कुछ है बहुत पहले की, शायद यहाँ पर कोई घर था। और यहाँ के नीचे की तरफ भी इस तरह की है और यहाँ पर इस तरह की है, इस तरह की एक एरिया बना हुआ है और इसको लोग देखने के लिए आते हैं। और ये बहुत सालों पुराना है, कुछ यहाँ पर क्या था ये तो हम नहीं बोल सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई घर या कोई मंदिर था बहुत पहले की। और यह सामने ही एक तालाब सा है यहाँ पर इस तरह की, और तालाब के किनारे इस तरह की है। ये बहुत पुरानी है, यहाँ पर फिर से कुछ था यहाँ पर बहुत साल पुराना। यहाँ पर यू कैन सी, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पेड़ है इस तरह की। और यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह की एक पत्थर सा है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह की। कोई कोई बोलते हैं यह बहुत सालों पहले कोई मंदिर था इस तरह की। तो चलिए आप देख लेते हैं खूबसूरत सा नज़ारा को। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर जैन धर्म का कोई कुछ कुछ चीज़ें है, और इस पहाड़ में आप लोगों को मिल जाएगा जैन, बुद्ध और हिंदू धर्म की बहुत सारी मूर्तियाँ। तो यहाँ पर है जैन धर्म की कुछ मंदिर। गाइस, तो देखिए इसका खूबसूरत सा नज़ारा, कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। तो इस तरह की है हमारा श्री सूर्य पहाड़। आप लोग कभी अगर ग्वालपारा आते हैं तो इस पहाड़ में ज़रूर आइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, लुक एट दिस, ये बहुत बड़ा सा एक शिवलिंग है और ये हिंदू धर्म का है।
ये बहुत ज़्यादा बड़ा है शिवलिंग, और यहाँ पर तो बहुत सारे शिवलिंग है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। गाइस यहाँ पर जो है यहाँ की मेन, इस मंदिर का मेन पार्ट है ये, और ये है विष्णु, भगवान विष्णु का मूर्ति, भगवान विष्णु का मूर्ति है ये, इस तरह की है ये। और यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ है, मतलब देख पा रहे हो आगे से, और यहाँ पर है कुछ इस तरह की नाला गया। ये है इस विष्णु देवता की सामने का व्यू, ये सामने से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर है पांडवों का मूर्ति, इस तरह की है, और वहाँ पर है बहुत सारे भगवान शिव का लिंग, इस तरह की है, इस तरह की। और ये है भगवान विष्णु का मूर्ति। उस तरफ है एक और रास्ता, वहाँ पर नीचे जाने की रास्ता, और वहाँ पर भी बहुत सारी भगवान शिव का लिंग है, इस तरह की, वहाँ पर से जाना पड़ता है। तो आप लोगों को दिखाऊंगी उस तरफ भी और एक दिन, एक ही ब्लॉग में तो कंटिन्यू करना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मैं इस श्री सूर्या पहाड़ की मंदिर को लेकर और भी बहुत सारे ब्लॉग लाऊंगी, जैसा कि मैंने बोला है आप लोगों को कि एक दिन में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा सा है और ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे आप लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।